सितारगंज शहर, जहां सिडकुल की निजी फैक्ट्री के गेट पर लगातार 77वें दिन भी फैक्ट्री के कर्मचारियों का धरना जारी रहा। बता दें कि बीते लगभग 2 महीने पूर्व सिडकुल की निजी फैक्ट्री बिना किसी पूर्व सूचना के प्रोडक्शन बंद कर फैक्ट्री को ताला लगा दिया गया। तब से अब तक फैक्ट्री के कर्मचारी बंद फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे हैं। वहीं कर्मचारियों की मांग ये है कि जल्द से जल्द उनको बहाल किया जाए। फैक्ट्री के कर्मचारियों का कहना है कि वह पिछले लगभग 2 महीनों से अपने हक के लिए तूफान और बारिश के बीच धरने पर बैठे हैं, जिससे उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। 70 दिन हो चुके हैं हमें। 17 तारीख की शाम को प्रबंधन द्वारा कारखाने को अवैध रूप से बिना सूचना दिए हुए बंद कर दिया गया। तब से सभी श्रमिक हमारे ZS यूनियन एम्प्लाइज यूनियन जो है इस धरने को चला रही है। और इस हाँ, जैसे कि SDM साहब उसी दिन शाम को पहुंच चुके थे, तो उनके द्वारा इधर कॉरपोरेट और अपना ALC के मध्यस्थ वार्ता हुई।